नमस्कार, आज के क्लास में हम लोग पॉइंट टू का क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ का। तो हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे और बेसिक कैसे इसको हल किया जाता है और इसमें क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, नियम होते हैं, आप इसको वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लिया हूँ, उस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश किया है। इसके पहले मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पर मैंने दो वीडियो दिया है, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पर जाकर देखिएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वाई बराबर ए एक्स है और इसको हमको सत्यापित करना है। आपके बुक में लिखा हुआ है कि जांच करके बताइए कि इसका ये संगत हल है या नहीं। तो हल करने के लिए हमको देखना होगा कि ये आंसर कैसा दिया हुआ है। तो आंसर में हमको देखने से पता लग रहा है कि ये सिंगल डिफरेंशिएशन किया गया हुआ है और सिंगल डिफरेंशिएशन इसको करेंगे और वहाँ से कुछ काम करेंगे तो ज़रूर हमारा आंसर आएगा। और आ जाएगा तो संगत हल जरूर होगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, देखने के बाद आपको आज से कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मेरे भाई आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, इतना आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ। लेकिन आप लोग थोड़ा सा भी एक आपके फिंगर दबा देने से अगर हमारा काम हो जाए, अगर हमें थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए तो क्या दिक्कत है। थोड़ा सा आप लोग एनर्जी दीजिए, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। देखिए इसको सिंगल डिफरेंशिएशन करना है तो इसलिए आप dy बाई dx इसको सिंगल किया, इसका मतलब हम सिंगल करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हुए, सॉरी ये आंसर करना है चूँकि इसको हल करके हमको ऐसे ही लाना है। तो इसको सिंगल मारेंगे dy बाई dx और a x का वन हो जाएगा, यहाँ से dy बाई dx इसका वन हो जाए, a हो जाएगा। अब हम लोग dy बाई dx को a डैश लिखते हैं। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने बहुत सारा सिंबल दिया है, इसके पहले मैंने क्वेश्चन पर 9.2 पर एक वीडियो मैंने दिया है, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने इस तरह का सिंबल को जिक्र किया है, उसमें पूरा डिटेल बताया है, इसलिए प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे dy बाई dx y डैश लिखते हैं, a लिखते हैं। अब यहाँ पे a आ गया है, a हटा नहीं है, तो a हटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से a का मान निकालेंगे। तो a का मान निकालेंगे तो y बटा x, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो यानी कि a का मान हो जाएगा y बाई x हो जाएगा और a के जगहिया पर हम लोग भर देंगे y बाई x। ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो x y डैश इक्वल y हो जाएगा। ये फाइनली इसका उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का संगत हल ये है। ये छोटा सा क्वेश्चन आपको बहुत काम किया होगा, एक थोड़ा सा चिंगारी के जैसा, क्योंकि बहुत सारा सवाल है तो आपके मन में कन्फ्यूजन होता होगा कि हर सवाल को बनाए कैसे जाते हैं। तो एक छोटा सा मैं हेल्प किया हूँ, इसी प्रोसेस से आप बनाएंगे तो उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन धीरे धीरे आपसे बन जाएगा। मैथ को बनाने के लिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत होती है। किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा धैर्य से बनाए, दिक्कत नहीं है, कोशिश करिए और उसको बनाने की कोशिश करिए। नहीं बनता है तो मुझे कमेंट करिए कि मुझे इस तरह के सवाल और हमको चाहिए, तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपकी बात को ज़रूर स्वीकार करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन बच्चों तक शेयर करिए ताकि जिनकी इसकी ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे तो इससे होगा कि काफ़ी बच्चे इसे लाभ उठाएंगे इस वीडियो